Hey guys, welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम जॉन गैल्स वर्दी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉन गैल्स वर्दी का बर्थ 14 अगस्त को 1867 में किंगस्टन टाउन में इंग्लैंड में हुआ था। ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट थे। ये एक रिच एंड वेल एस्टैब्लिश्ड फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर एक एडवोकेट थे। इनकी एजुकेशन हैरो से हुई और इन्होंने लॉ की पढ़ाई न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से की। 20 की एज से जॉन गैल्स वर्दी ने अपने एंजॉयमेंट के लिए राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया। इनका फर्स्ट वर्क फ्रॉम द फोर विंड्स था, जो कि 1897 में पब्लिश हुआ था। ये शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन था। 1898 में इनका एक नॉवल पब्लिश हुआ जिसका नाम जॉसेलाइन था। इनके ये दोनों वर्क्स इन्होंने जॉन सेंट जॉन के नाम से पब्लिश करवाए। द आइलैंड फेरेसीज इनकी पहली ऐसी बुक थी जो इन्होंने अपने नाम से 1904 में पब्लिश करवाई। फिर इनका थ्री नॉवल्स का एक सीक्वेंस आता है जिसका नाम होता है द फोरसाइट सागा। इस वर्क से गैल्स वर्दी को सबसे ज्यादा जाना जाता है। द फोरसाइट सागा 1922 में पब्लिश हुआ। इसमें थ्री नॉवेल्स और टू इंटरल्यूड्स थे। इंटरल्यूड्स यानी कि जब ऑथर अपने वर्क से ब्रेक लेकर बीच में कोई स्टोरी बताता है या अपने वर्क से रिलेटेड कोई शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है, उसे इंटरल्यूड कहते हैं। सो गाइस, द फोरसाइट सागा में थ्री नॉवेल्स और टू इंटरल्यूड्स हैं। द फोरसाइट सागा में पहला नॉवल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी है, जो 1906 में आया था। फिर 1918 में एक इंटरल्यूड आया जिसका नाम इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट था। 1920 में सेकेंड नॉवल आया जिसका नाम इन चांसेरी था। फिर 1920 में ही सेकेंड इंटरल्यूड आया जिसका नाम अवेकनिंग था। फिर 1921 में थर्ड एंड लास्ट नॉवल आया जिसका नाम टू लेट था। तो ये थ्री नॉवेल्स एंड टू इंटरल्यूड्स हैं द फोरसाइट सागा में। इस नॉवल में जॉन ने फोरसाइट फैमिली की स्टोरी बताई थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद की फोरसाइट फैमिली की स्टोरी को गैल्स वर्दी ने अपने वर्क द व्हाइट मंकी, द सिल्वर स्पून एंड स्वैन सॉन्ग में कंटिन्यू किया है। ये तीनों वर्क्स मॉडर्न कॉमेडी नाम के वर्क में पब्लिश हुए थे 1929 में। गैल्स वर्दी के अदर नॉवेल्स हैं द कंट्री हाउस। द कंट्री हाउस 1907 में पब्लिश हुआ। नेक्स्ट वर्क है द पैट्रिशियन, 1911 में पब्लिश हुआ। द फ्री लैंड्स 1915 में पब्लिश हुआ। गैल्स वर्दी ने सिर्फ नॉवेल्स में ही अपनी महारत नहीं दिखाई, बल्कि ये एक सक्सेसफुल ड्रामेटिस्ट भी थे। इनके ड्रामास बहुत ही नेचुरलिस्टिक स्टाइल में लिखे होते थे। इनके ड्रामास बेसिकली सोशल प्रॉब्लम्स को रिवील करते थे। गैल्स वर्दी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स के बारे में या जो सीरियस टॉपिक्स होते थे उनके बारे में अपने ड्रामास में लिखते थे। इनके लिखे हुए ड्रामास हैं द सिल्वर बॉक्स, स्ट्राइव, जस्टिस, लॉयल्टीज। 1905 में गैल्स वर्दी की शादी अडा पियर्सन से हुई। अडा पियर्सन गैल्स वर्दी के कजन की डाइवोर्स्ड वाइफ थी। गैल्स वर्दी का काफी लंबे टाइम से अपने कजिन की वाइफ अडा पियर्सन से अफेयर चल रहा था। फिर फाइनली 1905 में अडा एंड गैल्स वर्दी की शादी हो गई। 1929 में गैल्स वर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला। 1932 में इन्हें लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज मिला। गैल्स वर्दी की डेथ ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुई थी। गैल्स वर्दी की डेथ उनके लंदन वाले घर में 31 जनवरी को 1933 में हुई थी। 1967 में ग्रेट ब्रिटेन में द फोरसाइट सागा का टीवी सीरियल ब्रॉडकास्ट किया गया, जिससे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। तो गाइस, हम जॉन गैल्स वर्दी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।